हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टिटैनी। टिटैनी इज़ अ इनवॉलेंट्री मसल क्रैम्प और स्पाज्म ड्यू टू एबनॉर्मल अल्ट्रेशन इन दी बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट। टिटैनी जो है एक मसल क्रैम्प्स होते हैं बॉडी में, किसकी वजह से? जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाता है तब मसल जो है ट्विच करती हैं, क्रैम्प्स होते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल और हाइपोकैल्शीमिया। इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है कैल्शियम का लेवल कम होना बॉडी में। जब कैल्शियम लो हो जाएगा तो हमें इनवॉलेंट्री मसल क्रैम्प्स फील होंगे। टिटैनी इज अ सिम्टम। टिटैनी एक सिम्टम है, टिटैनी एक डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ सिम्टम। टिटैनी इज अ सिम्टम डेट इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट ऑफन इन दी हैंड एंड फीट। टिटैनी जो है एक सिम्टम है जिसमें कि इन्वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, मोस्टली हैंड और फीट में हमें ये ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन मिलते हैं। नाउ द कॉजेज आर हाइपोकैल्शीमिया। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोकैल्शीमिया ड्यू टू ब्लड कैल्शियम लेवल, लैक ऑफ विटामिन डी एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्मिया। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस ही हमारा टिटैनी का कॉज है। एल्कलोसिस ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब, या फिर रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, लो प्रोटीन डायूरेटिक्स, डिक्रीज कैल्शियम ऑफ PTH पैराथायरॉइड हार्मोन, या फिर कोई किडनी डिजीज हो जाए, या फिर पेशेंट जो है शॉकी कंडीशन में चली जाए, तब हमें ये टिटैनी हो सकती है। मतलब ये सारे कॉजेस हैं टिटैनी के। नाउ द सिम्टम्स क्या होंगे? हमारा सबसे पहला सिम्टम होगा कार्पोपीडल स्पाज। में क्या होता है कि जो हैंड होता है इसमें जो है फ्लेक्शन होता है, रिस्ट का फ्लेक्शन होता है, मेटाकार्पल जॉइंट्स का एक्सटेंशन भी हो सकता है, और जो थम और या फिर फिंगर का एडिक्शन हो सकता है। ये सब हमारे कार्पोपीडल स्पाज में है। कन्वर्जेंस हो सकते हैं, ट्विचिंग इन मसल्स, क्रैम्प इन मसल्स, ट्रेम्बलिंग हो सकती है, लेयरिंग स्पाज एंड वोमिटिंग। दीज आर द सिम्टम ऑफ टिटैनी। नाउ द साइंस में क्या है? हमें दो साइंस मिलेंगे इसमें, एक है हमारा क्योस्टेक साइन और दूसरा है ट्रोसोस साइन। क्योस्टेक साइन को हम वीस साइन भी कहते हैं। क्योस्टेक साइन इज़ अ एबनॉर्मल ट्विचिंग ऑफ द मसल दैट आर एक्टिवेटेड बाय द फेशियल नर्व। व्हेन द फेशियल नर्व इज टेप इन फ्रंट ऑफ ईयर, द फेशियल मसल ऑफ द सेम साइड ऑफ द फेस विल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम फेस में जो फ्रंट ईयर के सामने की नर्व को हम टेप करेंगे तो क्या होगा, उसी साइड की फेशियल मसल जो है ट्विच करने लग जाएंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी। मतलब कि हमने राइट साइड का ईयर के सामने की नर्व को हमने टेप किया तो क्या होगा, उसी साइड की फेशियल नर्व मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे हमारे फेस की। क्योस्टेक साइन इज़ अ क्लिनिकल साइन सीन इन हाइपोकैल्शीमिया। ये साइन जो है हाइपोकैल्शीमिया की कंडीशन में मिलता है, मतलब कि ये साइन हमें टिटैनी में फाउंड होता है। नेक्स्ट साइन है हमारा ट्रोसेस साइन। दिस साइन इज नेम आफ्टर डॉक्टर अरमान ट्रोसे, अ फ्रेंच इंटरनिस्ट। The ट्रोसिस साउंड ऑफ लेटेंट टिटैनी इज वन ऑफ द क्लिनिकल साइन एसोसिएटेड विद हाइपोकैल्शीमिया एंड लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल ऑफ हैंड एंड रिस्ट डेट अकर आफ्टर इन्फ्लुएंशन ऑफ ब्लड प्रेशर कफ। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है, जो हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो हम ब्लड प्रेशर का कफ जो है आर्म में लगाते हैं और उसका जो सिस्टोलिक बीपी होता है हमारा 120 mg, लेकिन हम 120 से 20 mg ज़्यादा उसमें हम इन्फ्लाट करेंगे 2-3 मिनट तक,
तब हम देखेंगे कि जो हैंड और फिंगर जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स ब्लड प्रेशर का जो कफ होता है उसको हम आर्म में प्लेस करेंगे और उसको हम इम्प्लांट करेंगे 20 mmHg अबव द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120, तो हम 140 mmHg तक उसको इम्प्लांट करेंगे कम से कम 2-3 मिनट तक। तो हम देखेंगे तब क्या होगा, हैंड और फिंगर में जो है स्पाज्म हमें दिखेगा। तो इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ हैंड एंड रिस्ट डेट अकर आफ्टर इम्प्लांशन ऑफ ब्लड प्रेशर कफ, ये हमारा ट्रोसिस साउंड साइन। नाउ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे उसकी, विटामिन डी का टेस्ट करेंगे, कैल्शियम का टेस्ट करेंगे, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट। ट्रीटमेंट में क्या है, टिटैनी कोई एक डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है, तो इसका ट्रीटमेंट हम सिम्टम के बेसिस पे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम इसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, कैल्शियम हमारा मिल्क में, सोयाबीन में और पालक में मिलता है हमें। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स देंगे जो कि हमें डार्क चॉकलेट, नट्स और बनाना में मिलते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंट्स देंगे, पोटेशियम का सप्लीमेंट्स देंगे जो कि हमें फ्रूट्स और पोटैटो में मिलते हैं। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।